सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। प्राचीन काल में अपराधियों को और दुश्मनों को मौत देने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जिसमें आदमी तड़प तड़प के मरता था। आज मैं आपको मनुष्य इतिहास की सबसे क्रूर सजाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। प्राचीन काल में अपराधियों को दंड उनके अपराध को देखकर दिया जाता था। विश्व का इतिहास बेहद लंबा चौड़ा है और इसी लंबे चौड़े इतिहास में दर्ज है प्राचीन समय में अपराधियों के प्रति होने वाला टॉर्चर। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही सजाओं या ये कह लीजिए कि मनुष्यों को दिए जाने वाले टॉर्चर के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10, सूली पर लटकाना। प्राचीन काल में ये सजा बहुत ही दर्दनाक थी। इस क्रिया में इंसान के शरीर पर कट लगाए जाते थे और फिर प्राण त्यागने के लिए विवश कर दिया जाता था जिसमें इंसान को सूली यानी क्रॉस पर लटकाया जाता था और दोनों हाथों में कीलें ठोक दी जाती थीं और नीचे दोनों पैरों को मिलाकर एक और कील ठोक दी जाती थी। ईसा मसीह को इसी के जरिए सजा दी गई थी। इसमें मनुष्य का खून रिसता रहता है और बेहद दर्द भरी मौत को वो प्राप्त करता है। नंबर 9, चूहों से कटवाना। प्राचीन काल में इस विधि का उपयोग कई देशों में किया गया जिसमें मनुष्यों को चूहों से कटवाया जाता था। इस क्रिया को करने के लिए एक खाली बर्तन लिया जाता था जिसमें जिंदा चूहे डालकर उसी बर्तन को इंसान के शरीर के साथ बांध दिया जाता था। फिर बर्तन को गर्म किया जाता था। धीरे धीरे जब बर्तन गर्म होने लगता तो चूहे को रास्ता ना मिलने पर गर्मी से बचने के लिए चूहा मनुष्य की चमड़ी को अपने पैने दांतों से काटने लगता। ये बहुत ही दर्दनाक होता था जिसमें इंसान की मौत भी हो जाती थी। नंबर 8, दी ब्राजिन बुल। प्राचीन ग्रीक लोगों द्वारा डिजाइन की गई इस विधि को सिसिली बैल भी कहा जाता था क्योंकि इसका आविष्कार सिसिली में हुआ था। ये पीतल धातु से बना एक उपकरण था जो एक बैल के आकार में था। इस क्रिया में निंदा करने वाले लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। धातु से बने बैल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि अंदर का व्यक्ति भुना हुआ ना हो जाए। इस उपकरण में ऐसी प्रणालियां भी थीं जो दर्द भरी चिल्लाहट को एक बैल की आवाज में बदल देती थी। नंबर 7, नुकीली वस्तु पर बैठाना। 15वीं शताब्दी के दौरान रोमानिया में अपराधियों को मरने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था जिसमें उन्हें एक नुकीले डंडे पर बैठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर उठा दिया जाता था। अपराधी की वजह से वो नुकीला डंडा उसके शरीर में घुस जाता था। हवा में लटकता हुआ अपराधी 3 दिन की तड़प के बाद मरता था। ये क्रिया मध्य युग के दौरान काफी लोकप्रिय थी। नंबर 6, द टब। इस तरह की सजा के अनुसार अपराधी को एक लकड़ी के टब में बैठा दिया जाता था। उसका केवल सिर ही टब के बाहर दिखाई देता था। उसे सजा देने वाला उसके चेहरे पर शहद और दूध लगा देता था। कुछ ही देर के बाद मधुमक्खियों और कीड़ों का झुंड उसके चेहरे से होकर पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता था जिसके दौरान उसका शरीर जीवित अवस्था में ही सुन्न पड़ जाता था जिससे उस इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 5, गर्म तेल से मौत। सजा देने के सबसे क्रूरतम और अमानवीय तरीकों में से एक है अपराधी के पेट या फिर शरीर के अन्य किसी हिस्से में गर्म तेल या फिर खौलते हुए पानी को डालना। इस क्रिया के बाद व्यक्ति की आंखों में पिघली हुई गर्म चांदी को डाला जाता था। ये बेहद कष्टदायक प्रक्रिया थी जिसके दौरान धीरे धीरे व्यक्ति दर्द से कराहते हुए अंतिम सांस लेता था। हालांकि ये अन्य तरीकों की तरह लोकप्रिय नहीं था क्योंकि रक्त का कोई सीधा शो शामिल नहीं था। फिर भी यूरोप और एशिया में इसके अपने दर्शक थे। नंबर 4, हाथियों द्वारा कुचलना। अपराधी के सिर को हाथी के नीचे कुचलने की सजा प्राचीन भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भी बहुत ही लोकप्रिय थी। हाथियों को अपने शिकार को तुरंत मारने या सार्वजनिक तमाशे में धीरे धीरे यातना देने के लिए ट्रेन किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब हाथी का पैर इंसान के सिर पर पड़ता तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या होगा। नंबर 3, पक्षियों द्वारा कटवाना। जीवित व्यक्ति को रस्सी की सहायता से पेड़ से टांग दिया जाता था। शिकारी पक्षी उसके जीवित रहते भी शरीर का सारा मांस खा जाते थे। मध्ययुगीन लोगों के लिए ये मनोरंजन का साधन भी था जो कई इलाकों में प्रचलित था। नंबर 2, रैक द्वारा सजा। रैक एक लकड़ी के आयताकार फ्रेम से बना एक बहुत ही लोकप्रिय यातना उपकरण था जिसमें दोषी के अंगों को जंजीरों के साथ दोनों हाथ पैरों को जोड़ा जाता था और पुलियों और रोलर्स की मदद से उन्हें तब तक खींचा जाता था जब तक कि वे शरीर के कई भाग ना कर दें। ज्यादातर इसका इस्तेमाल सूचनाओं का प्रचार करते समय किया जाता था। नंबर 1,
सीमेंट के पैर। अमेरिका के माफियाओं द्वारा इस तरह की सजा का आरंभ किया गया था। वे ऐसा करके अपने दुश्मनों और जासूसों को सजा देते थे। इसके अंतर्गत पकड़े गए व्यक्ति के पैरों को सीमेंट से जमा कर उसे गहरे पानी या नदी में फेंक दिया जाता था, जिससे पानी के भीतर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती थी। प्राचीन समय में जब सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, तब व्यक्ति के भीतर भावनाओं का भी संचालन नहीं हुआ करता था। शायद यही वजह है उस दौर में अमानवीयता भी हद से आगे गुजर जाया करती थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।